ये सर भाजी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि हम जनवरी में आधा 6348 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रुपये जी 6400 के 6450 का लेवल दिखाने के बाद देख रहे हैं कि सोयाबीन में मुनाफा वसूली बनी थी कल, हमने 1.5-2% की करेक्शन आते हुए देखी है, और अब देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में यहां से एक बार फिर से खरीदारी बनेगी? देखिए, छुटमुट खरीदारी बनी रह सकती है। देखिए, अभी जो यहाँ से तेजी समझ में आ रही है वो 6500 तक की मैक्सिमम अपसाइड एक बार लग रहा है कि सोयाबीन में बना रह सकता है, और वहीं नीचे में 6200 से लेकर 6000 का स्तर हो सकता है। बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, 6500 तक अपसाइड बन सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कोमल कांत कुशवाहा जी, जिनका सवाल है कि मकर संक्रांति और आगे शादी विवाह का सीजन है, तो क्या रिफाइंड सोया तेल और चीनी में तेजी बन सकती है डिमांड बढ़ने की वजह से? देखिए, चीनी में थोड़ा सा बाजार उठता हुआ नजर आ रहा है, चीनी में तेजी बन सकती है, लेकिन रिफाइंड सोया ऑयल में अभी तेजी बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि उसमें भी बाजार जो है रेंज बाउंड रह सकता है, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड है एडिबल ऑयल में, और ना ही बहुत ज्यादा भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।